जतिन जी एंड हरमन, वेलकम टू सिने स्पीक्स। मेरा नाम है ऐश्वर्या। सबसे हाय। पहले कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑन दिस अमेजिंग न्यू फैमिली सीरीज। इट्स अ ट्रीट टू सी वंडरफुल पीपल, वंडरफुल एक्टर्स लाइक यू कमिंग अप टुगेदर। सो सबसे पहले जतिन जी, मैं जानना चाहूंगी कहानी क्या है। दो आईव सीन द ट्रेलर, बट फॉर द ऑडियंस, अगर आप थोड़ा कॉन्सेप्ट के बारे में बताएं, थीम के बारे में। की पॉटलक एज द नेम सजेस्ट। ये गोविंद शास्त्री, एक परिवार है उनका, शास्त्री परिवार, जी जिसमें दो बेटे हैं, हरमन उनमें से एक, साइरस, और बेटी है, दो बहू हैं, बच्चे उनके सब, बीवी है उनकी शास्त्री जी की, प्रमीला जी। तो इनको सब अपने अपने जीवन में व्यस्त पाके, बिजी पाके, अब रिटायर होने के बाद गोविंद शास्त्री वॉन्ट्स दैट हिज फैमिली शुड कम टुगेदर। तो जी अब रिटायर हैं, अब वो कैसे उनको परिवार को साथ में लाए, तो एक पॉटलक का आइडिया लेके कि खाने के टेबल पे सब अपना अपना खाना भी लाए, अपने आप को भी लाए, अपनी खुशियां गम लाए, और इस हिसाब से हम मिले और आगे बढ़े जीवन में साथ मिलके। अमेजिंग। तो आपके कैरेक्टर के बारे में, आपका जो रोल है यहाँ पे, वो क्या रहने वाला है? एज ऑडियंस क्या देख सकती है? एक इंसान जो अभी अपने जीवन के काम, जो कमर्शियल वर्क है, उससे रिटायर होके अब जीवन जीना चाहता है, तो उसमें नई नई चीजें वो सीख रहा है, नए नए कार्य करता है, जैसे आप देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, और जिंदगी पूरी तरीके से जीना चाहता है, लेकिन अकेले नहीं, अपने परिवार को साथ लेके, उनके साथ रह के, उनमें खुशियां गम बांट के, अपने खुशियां और बढ़ा के, इन सेंस। और सबसे बड़ी बात है कि ही हैज नाउ स्टार्टेड लिविंग अ न्यू लाइफ, एंड विद अ लॉट ऑफ एंथुसियाज्म एंड अ लॉट ऑफ पेप एंड अ जेस्ट एंड काइंड ऑफ अ विवेशियस काइंड ऑफ अ गाय हु इज नाउ फुल ऑफ लाइफ। And how his family react to this suddenly? यार ये तो रिटायर होने की उम्र है वही, अब ये तो इन्होंने जीवन जीना शुरू कर दिया, तो अब वो हरमन बताएंगे आप क्या है। जी, ओके ओके। तो हरमन, आपसे जानना चाहूंगी कि व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू यू नो टेक दिस प्रोजेक्ट? क्या बात थी जिसके वजह से आपने स्क्रिप्ट को पसंद किया या फिर यू नो एक्सेप्ट किया? एंड ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस भी कैसा था? सिंपल बात थी, द चैलेंज इज ऑलवेज टू बी वॉन्टिंग टू बी अ वर्किंग एक्टर। कोई काम ऑफर करे तो मना करना नहीं चाहिए, एंड स्पेशली व्हेन इट्स अ नाइस स्क्रिप्ट। द होल फैक्ट इज लाइक सर इज सेइंग, जतिन सर इज सेइंग दैट इट्स अ डिफरेंट फेज ऑफ अ फैमिली, राइट? द किड्स नॉर्मली आउटग्रो देयर पेरेंट्स आफ्टर अ व्हाइल, कि आप अपनी जिंदगी में इतने मदहोश हो जाते हो। जी विक्रांत जो है, सबसे बड़े भाई है, उनके 3 बच्चे हैं, उनकी लाइफ अलग ही जोन में चल रही है। जो करेक्ट। मेरा और मेरी वाइफ का कैरेक्टर, वो न्यूली वेड है, तो उनके भी अपने सिस्टम चल रहे हैं, डिस्कवरिंग लाइफ टुगेदर। सो एवरीबॉडी हैज देयर ओन इकोसिस्टम्स, और फादर इज समवेयर फीलिंग लाइक, यार जितने भी साल बचे हैं, अब जो मस्ती मजाक, हंसी मजाक सब होना चाहिए, वो अकेले नहीं होती। और इसमें एक सो सिद्धांत, इस बार ऑडियंस आपको किस किरदार में देख सकती है? इस बार डेफिनेटली नॉट वेयरिंग अ हेलमेट, ऐसे चेहरे के साथ। आलिम है मेरे किरदार का नाम। आलिम लखनऊ से हैं, और उन्हें मोहब्बत, प्यार और इश्क हो जाता है प्रेरणा से, जो कि द यंगेस्ट ऑफ चिल्ड्रन और डॉटर्स है शास्त्री परिवार के। और उनको एक पॉटलक के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे वो खुद बकरा बनते हैं और उसी के जरिए फैमिली से गेट टू नो होने लगते हैं, एंड एवरीबडी गेट्स टू नो आलिम। इट्स नथिंग सीरियस, इट्स अ वेरी चिल्ड आउट कॉमेडी थिंग, तो कुछ सीरियस किरदार या ऐसा कुछ नहीं है। जो आजकल की दुनिया में हम वेब सीरीज देखते हैं, तो मतलब उसमें क्राइम, मर्डर, ड्रामा, थ्रिलर, पॉलिटिक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है शो में। इट्स जस्ट गुड क्लीन कॉमेडी एंड फन, एक्चुअली एक साथ देख सकते हो। मतलब अदरवाइज हम लोग सब अकेले अकेले वेब सीरीज देखते हैं आजकल, है ना जतिन सर? ये इकट्ठे बैठ के लिए ओके। सो वेयर डू द बच्चों से लेके ऑडियंस सी दिस? बुजुर्ग, आई एम सॉरी। बच्चों से लेके बुजुर्ग, हेलो, एवरीवन कैन, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक, एवरीबॉडी कैन सिट टुगेदर एंड वॉच इट। और ऐसे बहुत कम कंटेंट है आई थिंक अभी टीवी पे, वे वी कैन एक्चुअली एवरीबॉडी, वो एक 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 ही है हमारा शो, एक ही है ना, कि और भी एक शो है? सिर्फ ओके। सो कहाँ पर हम देख सकते हैं इस शो को, इफ यू कुड टेल द ऑडियंस? सोनी लिव पे, सोनी लिव पे है ये, 10 सितंबर से, और सोनी लिव इंटरनेशनल पे भी है, एंड इस पे आप 10 सितंबर से देख सकते हैं पूरे 8 एपिसोड, जैसे उन्होंने कहा, बिंज बिंज वॉचिंग कर सकते हैं।
ओके, अमेजिंग अमेजिंग. सो सर, जब आप लोग ये सब शूट कर रहे थे, वर देयर एनी चैलेंजेस व्हिच यू फेस्ड ड्यूरिंग दैट टाइम? समथिंग कॉल्ड एज अ पैंडेमिक वॉज गोइंग ऑन, सो तो दैट हाउ वॉज डिड अ यू बिट ऑफ अ मैनेज? चैलेंज. देखिए, सारे प्रोटोकॉल्स लिए गए थे. बायो बबल क्रिएट किया गया था गुड़गांव में. हम दो होटल्स के बीच में हम लोग का पूरा सेट बनाया गया था, और सभी सेट पे मास्क पहन रहे थे एक्सेप्ट फॉर अस एक्टर्स. बट वी एक्टर्स ऑल्सो हैड टेस्ट डन बिफोर वी वेंट. तो जो भी प्रोटोकॉल्स थे वो किए, एंड फॉर्चुनेटली टच वुड नोबडी गॉट इन्फेक्टेड. 18 दिन में, 20 दिन में हमने पूरा पूरे के पूरे 8 एपिसोड शूट करके एवरीबडी केम बैक होम सेफ साउंड एंड हेल्दी. तो वही मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा. शो वाज वेरी इजी टू शूट, बट दिस इन इटसेल्फ वाज अ गुड चैलेंज दैट आई थिंक द क्रिएटर्स एंड एवरीबडी हियर ओवरकम क्वाइट वेल. करेक्ट. सो जतिन जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा था ओवरऑल, यू नो, इन दिस सीरीज एंटायर, कैसा लगा मुझे एक्सपीरियंस? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया. किरदार मुझे बहुत पसंद था, गोविंद शास्त्री जी का. और साथ में अच्छे एक्टर्स मिल गए, सामने मेरे हैं, कुछ कुछ वहाँ है. तो ऑल वो वेरी कोऑपरेटिव एंड गुड परफॉर्मर्स ऑल ऑफ देम. सो दैट ब्रॉट आउट अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स. और काफी मैंने उस काफी एंजॉय किया, इवन ऑफ द सेट्स भी, क्योंकि साथ में रहे हम सब 18 दिन. और जी, साथ में शूटिंग शूटिंग भी वहीं करते थे और रहते भी वहीं थे, तो शूटिंग के बाद भी मिलते थे. तो कई बार तो मैंने कई बार ये कह चुका हूँ कि शूटिंग करते समय भी, मतलब कई बार शॉट चालू हो चुका है तो वही हमारा मूड शॉट में चला जाता था और शॉट से बाहर. तो आप देखोगे, जब आप इस शो को देखेंगे, कि कितना नेचुरल इसमें हर एक्टर ने एक बहुत नेचुरल फील डाली हुई है इसमें. ऐसा लगा ही नहीं कि हम एक एक्टिंग कर रहे हैं या एक सीन कर रहे हैं. इट वेंट इन अ वेरी स्मूथ एंड वेरी कंफर्टेबल मैनर. सर, बट अ अमेजिंग. लॉट ऑफ दैट डिपेंड ऑन द जो खाना आपके रिश्तेदारों ने भेजा था, जो खाना सलोनी के घर रिश्तेदारों ने भेजा था. बिकॉज हमारा पूरा प्लान खराब हो गया था. शुरू में तो फिटनेस का ध्यान रखेंगे, 4 दिन सलोनी, मैं, शिखा, साइरस, हम सब ने डिसाइड किया था कि जिम जाएंगे. चौथे दिन सलोनी के घर से खाना आया, 5वें दिन जतिन सर के किसी रिश्तेदार ने बहुत अमेजिंग खाना भेजा. उसके बाद वो एक सर्कल हो गया कि हम ऑफ कैमरा भी पॉटलक ही कर रहे थे. यार तुम्हारे वाह, उसमें क्या है, आज आज जतिन सर ने मंगवाया, आज सलोनी ने मंगवाया, एक दिन साइरस के किसी दोस्त ने रेस्टोरेंट से खाना भेजा था उनके. तो वी हैड अ करेक्ट. ग्रेट टाइम ईटिंग. सभी ने कंट्रीब्यूट किया. और एक पिकनिक बन रही थी ऑफ ऑफ ओके, द सेट्स, सेट्स पे भी बनती थी. और ये भी है क्योंकि करेक्ट, पॉटलक है भाई, पॉटलक में तो खाना ही खाना लगा रहता था, तो वहां भी खाना ही होता था और बाहर भी खाना होता था. और एक अमेजिंग सा एक सिनर्जी बन गई सब एक्टरों में, जो साथ में बैठ के इवन आफ्टर बैकअप बैठते गपशप करते थे, खाना खाते थे और जी. बातचीत होती थी, और बहुत मजा आता. ग्रेट टाइम्स. ओके, थैंक यू सो मच. इट वाज वंडरफुल स्पीकिंग टू यू, एंड आई एम श्योर द ऑडियंस वुड लव दिस सीरीज, बिकॉज ये यू नो, इट्स अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ इमोशंस हियर, एंड यू नो, अ लॉट ऑफ फैमिली ड्रामा एंड व्हाट इज हैपनिंग इन रियल लाइफ. सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, एंड होपिंग टू सी यू सून ऑन सीरीज. थैंक यू सो मच. थैंक टेन यू. सितंबर पॉटलक ऑन सोनी लिव. टैटू करवा श्योर. लो, टैटू करवा लो, लिखवा लो, लिखवा ओके, थैंक लो. यू ठीक सो है, मच. बाय. थैंक यू.